सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो आप लोग को एक टूर देने वाला हूँ मैंने, जो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में एक जो एंडरमैन फार्म बनाया है। और दूसरी चीज है भाई, मैं इधर अभी फिलहाल इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप लोग को अभी एक चीज दिखाना चाहता हूँ भाई, जो कि बहुत टाइम से मैं इसमें काम कर रहा था। आप लोग को पता होगा अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो कि भाई मैंने, एक सेकंड, ये अंधेरा नहीं है, नहीं हो रहा कोई समझ, ठीक है, एक सेकंड, एक गेम मोड तो हार्ड है ना। हाँ, कि भाई मैंने बोला था कि मैं अगली वीडियो में जो इसमें लगा लूंगा इसको, बट मैंने नहीं लगाया था, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, अभी हम लोग लगा चुके हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ऐसा रात का समय देख के आया हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, एंड देन भाई अभी यहाँ पे रात हो रही है माइनक्राफ्ट के अंदर। सो अभी जो है मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊंगा, देखो भाई, ऐसा एक में अगर हम लोग चढ़ेंगे तो सारे ही बिना एक होंगे। मान लो कि आप लोग मेरे वर्ल्ड में आते हो, ऑब्वियसली बात है नहीं आओगे क्योंकि अच्छा मैं आईपी नहीं दूंगा, क्योंकि आकर तुम लोग तोड़ फोड़ भी कर सकते हो, मेरे को विश्वास नहीं है, बहुत मेहनत लगा इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो मान लो कोई आता है तो यहाँ पे अभी हम लोग उसको रॉयल एंट्रेंस देंगे गाइस। और मैं एक चीज क्या सोच रहा हूँ ना, कि मैं इसके आगे का ना पूरा तोड़ दूँ इसको, समझ रहे हो भाई, ताकि ऐसा ठीक रहेगा। हाँ, इसको मिलता हूँ आप लोग को जा करके अपने एंड में। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने एंड में, एंड देख लो भाई कुछ इस तरीके का है इसके। एक सेकंड में ऊपर से जाकर आप लोग को दिखाता हूँ इसके। यहाँ पे मैंने इसलिए ऊंचा रखा है क्योंकि यहाँ पे एक एंडर माइट रेल कार्ट में करके, जिसमें भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी भाई। ऐसा एक ही ब्लॉक में मर मर के बार बार बच रहा था भाई साहब। एंडरमाइट समझ करवाने की कोशिश किया, अगर किसको नहीं पता, लोग सर्वाइवल में एंडरमाइट जो होता है मल्टीपल फेंक फेंक के कर सकते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। दूसरी बात, एंड भाई उसमें मेरे एक बार मैं से स्पॉन हुआ था, फिर मैंने थोड़ा देर बाद देखा तो स्पॉन हो गया, फिर मुझे याद आया भाई नींद करना पड़ता है। मैंने फिलहाल तो भाई एक का नाम रख दिया चारा, यस चारा, चारा, क्योंकि चारा ही है ना, क्या बोले भाई, चारा ही तो है। यहाँ पे वैसे कुछ कुछ ऐसा आ रहे हैं वाले, और एक था येरा भाई, इसमें लूटिंग है भी है क्या? ओह, दैट मींस मैं आज तक लूटिंग के बिना वाले स्क्वाड यूज कर रहा था भाई, बाकी सब में सब कुछ है बट इसमें लूटिंग ही नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं अपने घर चलता हूँ फिलहाल, एंड देन इसमें आप लोग को लूटिंग डलवा करके मिलता हूँ। भाई मैं फिर से आ चुका हूँ यहाँ पे, इसमें लूटिंग मैंने डलवा लिया है, एंड इसको पूरा रिपेयर भी क्या, एक सेकंड, अच्छा, मैंने मार दिए थे ना सारे। फिर अभी चलते हैं एंड थोड़ा देर ये एफके करते हैं, पता नहीं भाई ये क्या सीन है। तो अंदर डांस फ्लोर, ये हो गया। आओ, वैसे आजकल ना मैं ऐसा अपनी वो वाली पिकैक्स यूज कर रहा हूँ, चिल्टा चल रही, फॉर्च्यून वाली हम लोग निकाल लेंगे। ओ भाई साहब, बहुत मेहनत लगी है भाई, साउंड इफेक्ट में ये तो मार देते हैं एंडरमैन। एंड देन भाई अभी मैं आप लोग को नीचे चल के दिखाता हूँ, वैसे तब से मैंने जितना मारा है इसमें एक में भी लूटिंग नहीं थी, तो अब ऐसी बात है कोई चेस्ट नहीं भर रहा होगा अभी तक, बट यस जल्दी भर जाएगा। फिलहाल तो ऐसा अच्छा खासा भरा है, कोई कम भी नहीं भरा है, भर जाएंगे जल्दी। ऐसा वंडर पल के हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो भाई फटाफट से मैं चलता हूँ ओवर वर्ल्ड में, एंड मिलता हूँ आप लोग से ओवर वर्ल्ड। तो भाई यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ओवर वर्ल्ड में, एंड आई थिंक कि बारिश हो रही है, नहीं तो रात हो रही है, बारिश हो रही है। अच्छा, रेगिस्तान है ना यहाँ पे, पता नहीं चलेगा बारिश भी होगी तो। अगर सो रात, ओह बाय द वे, मैं जमीन में गिरा हूँ क्या? आई थिंक ना, बेड बहुत अच्छा क्वालिटी का है भाई, बाउंस करा देता है फुल ऑन। एंड सुबह हो चुकी है तो नहा भी लेते हैं, थोड़ा सोच तो रहा हूँ मैं, ठीक है तो नहा लेते फटाफट से यहाँ पे, शावर चल जा भाई, मेरे रस्सी उठ दबा हुआ मेरा, ठीक है तो नहा लिया। हाँ अब नहा लिया है, एक सेकंड मेरे को पॉटी आ रही है, पॉटी कर लेते हैं, ठीक है।
देन फिर नहा लेते हैं भाई, क्योंकि पॉटी करके नहाना चाहिए, हाथ पांव धोने चाहिए। रियलिटी में तो यही करता हूँ, मैं नहाता नहीं हूँ, पॉटी करने के बाद कौन नहाता है, बस ही बात है। देन हाथ धो लेंगे हम लोग, क्या किया था आगे मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ, कि मैं क्या कर रहा था वीडियो में। और जब कुछ याद ना आए तो शांति से जाके स्विमिंग पूल में डूब जाना चाहिए, दिमाग ठंडा करता है ये। और ये पता नहीं क्या लॉजिक है भाई, एक चीज मेरे को आज तक नहीं समझ आया भाई, मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग पूरा रेगिस्तान है यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे कैंप फायर क्यों है भाई, है ये क्या सेंस हुआ भाई। वैसे घर का ट्यूटोरियल मैंने जहाँ देखा था तो वो हरा भरा जगह में बनाने के लिए था, पता नहीं मैंने क्यों रेगिस्तान में बना दिया इसको, बट मस्त लगता है। एंड बाय द वे गाइस, माइनक्राफ्ट एजुकेशन नाम की तो भी तो कोई चीज होती थी ना, उसमें भी तो अपना वर्ल्ड है ना भाई। इतना टाइम हो गया भाई, मैंने एजुकेशन एडिशन पे एक भी वीडियो नहीं बनाई है, हो गया होगा एटलीस्ट आधा महीना, नहीं तो एक महीना भी हो गया होगा शायद से। सोच तो रहा हूँ भाई कि उसमें भी एक वीडियो बना लूँ, अगर तुम लोग को चाहिए एजुकेशन पे वीडियो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये फटाफट से आउट्रो दे देते हैं, इस बार हम लोग कहाँ आउट्रो देंगे, इस बार पूरे समंदर ही में डूब के आउट्रो देंगे। एक सेकंड एक सेकंड, बाय द वे मेरे घर के बगल में इतना बढ़िया लेक है भाई, मैं आज देख रहा हूँ उसको, मैं क्या सोच रहा हूँ ना ऐसा पूरा ऐसा लग्जरी लेक में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। हाँ ठीक है, वो बाय द वे हम लोग पानी में चल सकते हैं, यस मेरे को आज पता चल रहा है ये चीज कि हम लोग पानी में चल सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है मैं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।